आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी आई हुई है, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आपके पास बता दें कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हैज़ बिन अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें बता दें कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सिलेबस क्या है और योग्यता क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले इसको हम बता दें, अप्रूवल कर दिया गया है। कितने पोस्ट के लिए किया गया, तो 815 पोस्ट के लिए किया गया है, बड़ी भर्ती है। और वे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीबीपी का फॉर्म भरना है और वो भी कांस्टेबल के लिए भर्ती, तो बता दें कि इसको वैकेंसी कराती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। वैकेंसी कांस्टेबल का है, ड्राइवर पोस्ट का है, नोटिफिकेशन अवेलेबल हो गया है। और अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, तो 27 जून से कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, तो 26 जुलाई को लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट उसके बाद होगा। ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो www.itbppolice.nic.in पर आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 27 साल है। एज रिलेशनशिप आपको मिलेगा एज पर रूल्स के अनुसार। अब ड्राइवर की वैकेंसी कितनी आई हुई है, तो कैटेगरी वाइज मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी की 195 पोस्ट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 110 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 42 पोस्ट है, एससी कैंडिडेट के लिए 74, एसटी कैंडिडेट के लिए 37 पोस्ट है। आईटीबीपी ड्राइवर कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। उसके बाद जो है आपका 10th मैट्रिक एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास जबरदस्त हो। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1 रुपये नहीं। पेमेंट आप किसी मोड से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले रिटेन एग्जाम होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले इसको आप फॉर्म को फिलअप करिए, कहाँ से, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से। हालांकि ऑफिशियली वेबसाइट हमने बता दिया है, जैसे ही वहाँ से आप सारे ऑप्शन को भरेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन भरने के बाद जो है सारे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद लॉग इन बटन करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन ओटीपी आपका होगा जनरेट, और सारे फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।